हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे से होंगे, हम भी एकदम ठीक हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं अपनी सिस्टर के पास आई हूँ नालागढ़। तो अभी मैं देखिए स्टेज के ऊपर बैठी हूँ बाहर, और यहाँ है काफ़ी अच्छी बड़ी सी बालकनी, मतलब बाहर काफ़ी अच्छा स्पेस है, ओपन एरिया है बाहर। तो आज मैं करवाती हूँ इनका होम टूर आपको। 2 BHK अपार्टमेंट है, रेंटल अपार्टमेंट है, पहले बता देती हूँ आपको। तो इनका देती हूँ आपको छोटा सा होम टूर। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का होम टूर, 2 BHK अपार्टमेंट, वो भी रेंटल। तो आपको भी काफ़ी कुछ आइडियाज मिलेंगे हमारे इस होम टूर से, तो बने रहिए मेरे साथ और पूरा देखिएगा वीडियो, ताकि आपको तो गर्मी ज़्यादा है तो जल्दी से शुरू करते हैं होम टूर। चलिए चलते हैं अंदर, बाहर तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। अभी आपको दिखा देती हूँ बालकनी एरिया, बैक कैमरा से दिखाती हूँ मैं आपको, अच्छे से दिख जाएगा। तो यहाँ पर रखे हैं खूब सारे प्लांट्स, देख सकते हैं आप। यहाँ पर कॉलिस लगा हुआ है, सॉन्ग ऑफ इंडिया है, फिर रोज़ भी लगे हैं, फिर स्नेक प्लांट है, फिर ये पॉचलुका बोलते हैं कुछ लोग, 9 AM बोलते हैं वो है, सिंगोनियम है यहाँ पर, ये यहाँ पर तुलसी रखी है कॉर्नर पर, बाकी यहाँ पर भी मनी प्लांट वगैरह है, बिनका रखा है यहाँ पर, जो बिनका आजकल सदाबहार आजकल गर्मियों में खिलता है वो है। ये भी कॉलेज की वैरायटी है, ये आपका डाइंथस है, ये भी काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं आजकल, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ये वाले फ्लावर सदाबहार। ये कुछ इस तरह से काफ़ी बड़ा सा बाहर को, बहुत ही बड़ी बालकनी है इनकी, और यहाँ पर रखे हैं इन्होंने गमले, और ये काफ़ी सुंदर लगते हैं यहाँ पर, देखिए इस तरह से सर्दियों में तो और भी ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो सबसे पहले एंट्रेंस पर है ये शू रैक, यहाँ आप देख सकते हैं बड़ी सी विंडो है, ये है यहाँ पर शू रैक एंट्रेंस के ऊपर रखा हुआ, और यहाँ पर रखा है इन्होंने सारा अपना मेकअप प्रोडक्ट, जो भी है क्रीम्स वगैरह, मॉइस्चराइजर, जो भी इनका डेली मेकअप का जो भी होता है वो यहाँ पर ही मेकअप होता है। यहाँ पर फ्रिज रखा है गैलरी में, और यहाँ पर रखे हैं इन्होंने ये काफी सुंदर आइटम्स, और ये मैं आप तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये बोटल आर्ट और ये फ्लावर बेस कैंडल होल्डर जो भी आप बोल सकते हैं। यहाँ पर कुछ लिप कलर और नेल पेंट रखे हैं, काफ़ी बड़ी सी कलेक्शन है इनके पास। और दूसरी साइड आप देख सकते हैं वॉल के ऊपर, ये हॉल वाली विंडो मतलब वॉल है। तो यहाँ देखिए आप, ये जो क्लॉक लगी है शिमला से ली थी लक्कड़ बाजार से, और यहाँ पर ये वॉल पेपर लगा है नीचे। यहाँ पर चेयर्स लगी हैं दो, साथ में ही यहाँ पर एक बड़ा सा ये सनफ्लावर रखा हुआ है, ये काफ़ी सुंदर लगता है यहाँ पर रखा हुआ बाहर हॉल में। तो हॉल में इन्होंने सोफ़ा वगैरह यूज़ नहीं किया है, क्योंकि सोफ़ा का आपको पता है रूम में ऐसे होता है, फिर लेकर जाना इधर उधर तो बड़ी मुश्किल होती है। और ये सामने वाली वॉल है, यहाँ पर 2 जो रूम्स है वो फर्स्ट रूम ये वाला है। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर कूलर रखा हुआ है इन्होंने, जो अभी यूज़ में तो नहीं है बट ऐसे रखा है, कभी कभी यूज़ हो जाता है। यहाँ पर कंप्यूटर रखा है, और यहाँ पर ये भी DIY है, और ये जो मोर पंख देख रहे हैं आप, ये घर से लेकर आए हैं, मोर काफ़ी ज़्यादा होते हैं हमारी साइड तो उनके गिरते रहते हैं, तो वहाँ से लेकर आए हैं। और यहाँ पर विंडो है, साथ के साथ ही यहाँ पर डोर भी है इसके कूलर के साथ में, तो बालकनी है पीछे वाली साइड को भी, यहाँ ये ओपन हो जाता है डोर, और यहाँ दी है साथ में ही, देखिए अलमीरा। काफ़ी सुंदर, काफ़ी अच्छे से बनाया गया है ये घर, जैसे जिसने भी बनाया है। यहाँ पर भी देखिए दूसरी साइड भी विंडो है, यहाँ पर कर्टन लगे हुए हैं ये। और यहाँ पर लगे हैं डबल बेड, यहाँ भी देखिए स्टेंसिल का यूज़ किया गया है पेंट करते टाइम, तो काफ़ी सुंदर लगते हैं ये भी वाइट जो फ्लावर से बनाए छोटे छोटे। तो ये बेड के बैक साइड में है इस तरह से, और आप देख सकते हैं ये दूसरी साइड, देखिए ये जो पेंटिंग ये खुद की है दीदी के बेटे ने, जो जिसका नाम वंश है, शिवांश बोलते हैं उसको। तो ये है देखिए एलिफेंट बनाया, लगता ही नहीं कि उसने खुद अपने हाथों से की है, ये लगता है जैसे कोई वॉल पेपर चिपकाया हो वो है, बट ये खुद की है अपने हाथों से उसने। तो यहाँ हॉल से ही एक साइड बाथरूम है, एक साइड ये किचन है, तो किचन में चलते हैं अब हम। देखिए यहाँ पर काफ़ी बड़ी सी सेल्फ दी है, जो डिब्बे वगैरह रखने के लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो यहाँ पर भी देखिए विंडो है गैस स्टोव के सामने,
तो यहाँ पर भी छोटा मोटा सामान आ जाता है जो यूज़ होता रहता है, जल मतलब फ्रीक्वेंट जो यूज़ होता है वो रखा है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए ये मनी प्लांट वगैरह, यहाँ फैन लगाया हुआ है छोटा सा। और यहाँ पर देखिए फ्रूट्स की बास्केट, सिलेंडर वगैरह जो है वो नीचे नहीं आता है सिलेंडर, तो यहाँ रखा है इन्होंने क्योंकि होल नहीं है इसमें। तो यहाँ पर नीचे भी काफ़ी ज़्यादा सामान रखा है क्योंकि आपको पता है कितना सामान हो जाता है किचन में। यहाँ पर छोटी छोटी जो है वो बास्केट रखी है इन्होंने, छोटी छोटी यहाँ पर ये जो स्टैंड्स हैं वो रखे हैं, जैसे कप स्टैंड है, ग्लास स्टैंड है, वो यूज़ किए हैं ताकि जो सामान है वो डिक्लटर भी ना हो जल्दी। और काफ़ी यूज़फुल रहती हैं ऐसी ऐसी बास्केट, छोटी छोटी बास्केट, और काउंटर टॉप भी काफ़ी अच्छा लगता है उससे। तो अभी चलते हैं हम दूसरे रूम की तरफ। दूसरा रूम है कुछ इस तरह से, यहाँ का लुक है कुछ यहाँ इस तरह से। सामने से यहाँ पर दो चेयर रखी हुई हैं, इनके ऊपर कुछ सुंदर से फ्लावर वाले कुशन रखे हैं। सामने यहाँ पर देखिए टीवी लगा हुआ है, यहाँ है टीवी। और सामने ही देखिए ये अलमीरा बनी हुई है यहाँ पर भी, कुछ लोग बोलते हैं अलमायरा बोलते हैं, जो इसकी प्रोनाउंसिएशन है वो अलमायरा है। तो अभी मुझे पता चला था तो मैंने आपके साथ भी शेयर कर दिया। ये देखिए यहाँ पर कर्टन लगे हुए हैं कुछ इससे, कलर से ही मैच करते हुए, वॉल जो कलर होता है उससे ही मैच करते हुए कर्टन्स हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कॉर्नर सेटअप किया है इन्होंने। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एसी लगा, एसी की जो वायर है उसको हाइड करने के लिए जो मनी प्लांट आते हैं आर्टिफिशियल वो यूज़ किया है। आप भी इस तरह से यूज़ कर सकते हैं अगर वायर वगैरह हैंड करनी हो। यहाँ पर देखिए कुछ बेड के बैक साइड में भी कुछ ये ऑनलाइन भी आते हैं वो इन्होंने हैंग किए हैं, मैक्रेमे के सेल्फ्स वगैरह। और यहाँ पर कॉर्नर में है मंदिर इनका छोटा सा, तो इस तरह से है मंदिर का सेटअप। और नीचे इन्होंने देखिए यहाँ पर मैट्रेस बिछाया हुआ है, दो मैट्रेस हैं मतलब जो यूज़ में नहीं थे, तो इन्होंने यहाँ पर इसका सिटिंग कॉर्नर बना दिया एक किस्म से। अगर सोफ़ा नहीं यूज़ करें तो इस तरह से आप भी बना सकते हैं अपने घर में कॉर्नर, अगर आपने सिटिंग कॉर्नर बनाना है तो। यहाँ पर है इन्वर्टर, इन्वर्टर के ऊपर है कुछ रिमोट्स। ये था इनका 2 BHK रेंटल अपार्टमेंट, आपको कैसा लगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो छोटी सी वीडियो जो मेरे से बन पाई वो मैंने बना दी, आपको दिखा दिया थोड़ा सा, क्या पता आपको कुछ आइडिया मिल जाए अगर आप रेंटल अपार्टमेंट में रहते हो कहीं, तो उसको कैसे सामान को आपने सेट करके रखना है, कैसे आप उसको थोड़ा बहुत सेट कर सकते हैं, कुछ डेकोरेट करना है तो आइडिया आपको मिले हो डेकोरेशन के। मैं आपको बता दूँ ये जो मेरे पीछे वॉल पेपर आपको दिख रहा है ये भी इन्होंने ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था, पता नहीं कौन सी साइट से मंगाया, बट काफ़ी अच्छी क्वालिटी निकली इसकी, काफ़ी टाइम से इन्होंने लगा के रखा हुआ है और अभी तक बिल्कुल भी नहीं निकला है। और काफ़ी अच्छी खासी देख सकते हैं आप बॉल कवर की है इसने। और अभी मीबू तो इधर इस रूम में पढ़ाई कर रहा है, और यह भी मेरे पास यहाँ पर बैठी है, मैंगो खा रही है ये देखिए इसने चश्मा लगाया हुआ है आप देख सकते हैं। और अभी आपको मिलाती हूँ मैं ईबू से जल्दी से, क्योंकि वो अभी अभी नहाई है, बट उसका मूड ठीक नहीं थोड़ा, क्योंकि उसको नींद भी लगी है, तो क्या पता वो सो जाए। तो आप जानते होंगे मीबू ईबू याबी कौन है, तो मैं आपको बता दूँ मीबू मेरा बेटा है और ईबू और याबी मेरी सिस्टर के बच्चे हैं, मतलब दोनों अलग अलग सिस्टर के बच्चे हैं। तो आपको अभी ईबू से मिलाती हूँ, अभी थोड़ा उसका मूड थोड़ा सा क्रैंकी हुई है वो, थोड़ा सा उसका मूड अच्छा नहीं है, बट मैं ईबू को बोलती हूँ कि ईबू तू अभी सोना मत, वेट कर ले थोड़ा सा मेरा, फिर उसके बाद सुला देते हैं हम इसको। तो अभी जल्दी से चलते हैं ईबू के पास, मिलाती हूँ आपको ईबू से। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा मेरे वीडियो को। जल्दी मिलेंगे हम ऐसी ही कई और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।